हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की वीडियो में बात करेंगे आरआरबी जेई एग्जाम 2019 के बारे में, क्या लेटेस्ट अपडेट है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए वो आपको पूरी मिल सके। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आरआरबी जेई एग्जाम के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आपका आरआरबी जेई का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, आपकी जो फी है वो कब तक रिफंड हो जाएगी, रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है और क्या CBT2 की एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों आपकी जितनी भी यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको हम यहाँ पे लेके आए और आपको इस वीडियो में सारे आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आपका जो रिजल्ट है कब तक जारी हो जाएगा। तो दोस्तों आपका रिजल्ट यहाँ लगभग 13 से 14 अगस्त तक 100% जारी कर दिया जाएगा जो आपका रिजल्ट है यहाँ पे। उसके बाद जो दूसरा सवाल है दोस्तों आपके जो पैसे हैं वो कब तक आ जाएंगे। तो जैसे ही दोस्तों आपका यहाँ CBT1 का रिजल्ट आ जाएगा उसके लगभग एक मंथ के अंदर अंदर आपके यहाँ पे पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि कई छात्र इतने ज़्यादा लापरवाह है, वो अपने अकाउंट नंबर है गलत डाल देते हैं यहाँ पे या कुछ और मिस्टेक हो जाती है। जैसे आप लोगों ने ग्रुप डी में देख लिया होगा, यहाँ पे जो छात्र है काफ़ी लापरवाही करते हैं, अपना फॉर्म भरते वक्त सेल्फी अपलोड कर देते हैं या कोई ना कोई दिक्कत आती है, साइन जो है इनवैलिड अपलोड कर देते हैं यहाँ पे, बेकार जो साइज़ देखते नहीं फ़ोटोज़ का। तो इसलिए आपका जो है कम से कम एक मंथ लगेगा आपके फ़ी रिफंड आने में, जो बैंक चार्जेस उसके काटने के बाद आपका यहाँ पे फ़ी रिफंड हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों आपके रिजल्ट में यहाँ पे क्यों देरी हो रही है। तो दोस्तों आपके रिजल्ट में कहीं ना कहीं देरी इस कारण हो रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी वहाँ पर जो इंटरनेट की सेवा है उसे बंद कर दिया गया है। तो जैसे कि आप सबको पता है रेलवे अपने सारे जोनों का रिजल्ट है यहाँ पे एक साथ जारी करता है, तो इसी वजह से आपके जो रिजल्ट में यहाँ पे देरी हो रही है। अब बात करेंगे दोस्तों जो आपका अगला सवाल है, जो छात्र काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो क्या CBT2 की जो डेट है वो आगे बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आपको रेलवे ने यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि जो आपके CBT2 की है वो डेट या तो अगस्त के एंड वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। तो दोस्तों लगभग अगर रिजल्ट की वजह से भी थोड़ा डिले होगा तो लगभग 5 से 10 दिन आपका एग्ज़ाम यहाँ पे डिले हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल भी यहाँ ढील ना दें अपनी पढ़ाई को लेकर, और कट ऑफ से संबंधित हमने पहले वीडियो बना रखी है, आपके अगर उतने भी नंबर है तो आप अपनी यहाँ CBT2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बाद में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा CBT2 की तैयारी करने के लिए। और लगभग 15 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पे पास कर रहे जाने वाला है CBT2 एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों यही कुछ खास क्वेश्चंस थे आप सबके, तो आशा करते हैं आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। जो आपका रिजल्ट है उसके बारे में भी हमने बता दिया कि कब तक जारी हो जाएगा, फी रिफंड के बारे में भी हमने बता दिया, आपके रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है इसका सवाल का भी आपको यहाँ पर जवाब मिल गया होगा, और एग्ज़ाम CBT2 की डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसका भी आपको जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।